नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष राठौर और आज के हमारे एक और नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके सपनों का घर एक और लेकर आया हूं मैं आपके बजट में, और काफ़ी अच्छे बजट में यदि आप देख रहे हैं, काफ़ी लो बजट में यदि आप सर्च कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे रेगुलर मिल रहे थे कि लो बजट वाले कुछ और मकान लेकर आइए। तो ये सामने आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दोनों के दोनों जो मकान हैं ये आप लोगों के लिए अवेलेबल है, रेडी टू मूव है, पूरे पूरे रेडी है। आप चाहें तो आ सकते हैं यहाँ पर और विज़िट करने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दोनों के दोनों मकान यहाँ विज़िट करवा देता हूँ, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर खुला पोर्च है, यहाँ पानी का होद है, आप देख सकते हैं पानी का टैंकर। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं अंदर। यहाँ पर अंदर आते से ही पहले हमें मिलेगा अपना किचन। किचन आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही शानदार यहाँ पर आप देखिए कितना बना हुआ है, और कमोड यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर वॉशरूम एरिया आ जाता है आपका, बेसिन यहाँ पर लगा हुआ है। और इसके बाद हम लोग रूम देख लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी फिनिशिंग यहाँ पर दी गई है, नए हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन है, आप पूरा के पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर एक रूम है अवेलेबल, यहाँ पर आपको जो है लगेज वगैरह रखने के लिए भी स्पेस दिया गया है ऊपर की ओर। और यहाँ पर जो है ऊपर जाने के लिए, यदि आप देखना चाहें यहाँ से, यदि आप अपनी छत पर जाना चाहते हैं तो छत पर जाने के लिए जो है यहाँ से आपको जो है स्पेस मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपकी सीढ़ियाँ जो है लग जाएगी, या तो आप चाहें तो यहाँ पर लैडर लगा सकते हैं, या फिर जो है अपना खुद की आप जो है सीढ़ियाँ बनवा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। तो यदि आप देखना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो साइज़ मैं आपको बताता हूं, उसके पहले मैं आपको वो वाला घर भी जो है विज़िट करवाना चाहूँगा, दोनों का साइज़ और दोनों का डिमांड मैं आपको यहां पर बताना चाहूँगा। चलिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं अंदर की ओर। चलिए ये आ चुके हम लोग यहाँ, और यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाता है। स्टार्टिंग में काफ़ी बड़ा किचन यहाँ पर मिल जाता है, इसके बाद में स्पेस भी मिल जाता है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग यहाँ पर काम में की गई है। इसके बाद आपको यहाँ पर वाटर टैंक जो है यहाँ पर मिल जाएगा, पानी का कनेक्शन है, नल कनेक्शन यहाँ पर है, और बकायदा डेली जो है यहाँ पर नल आते हैं। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक रूम दिया गया है, ये एक रूम हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपका आ जाता है वापस से वॉशरूम एरिया, और ये वॉश बेसिन यहाँ पर दिया हुआ है, कमोड लगा हुआ है सामने की ओर। चलिए हम लोग चलते हैं ऊपर की ओर, और आपको जो है यहाँ पर छत पर लेकर चलते हैं। यहाँ पर आप जो है, अगर आपके पास कोई लगेज वगैरह है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। और ये आपका छत का एरिया आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ये आ गई आपकी छत। और जो आप, मैंने आपको पिछला जो मकान बताया था ये वाला, उसकी छत यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाली छत है, ये छत है, और इस मकान की यहाँ पर ये छत है। साइज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोनों ही मकान का, जो साइज़ है वो है आपका प्लॉट का एरिया जो है वो है 13x28। 13x28 के प्लॉट पर जो है कंस्ट्रक्शन हुआ है। हालांकि वो जो पहले मैंने आपको मकान बताया था, उसमें जो कंस्ट्रक्शन है वो है आपका 13x21 पर उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। उसकी डिमांड है आपकी, वो रहेगी आपकी 14.5 लाख। और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन बना हुआ है इस मकान पर, ये है पूरे के पूरे प्लॉट पर जो है कंस्ट्रक्शन बना हुआ है 13x28 पर, तो इसकी डिमांड है 16.5 लाख रुपये। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं विज़िट करने के लिए, तो ये गांधीनगर में अवेलेबल है। और जो भी यदि आप बैठक पर, यदि जो भी आपका नेगोशिएबल या नेगोशिएट करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप जो है बात कर सकते हैं। विजिट करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।